hello my dear students welcome back to my youtube channel my dear students today we're going to start with the second chapter of class 9 ncrt moments the title of the chapter is the adventures of toto written by ruskin bond my dear students ruskin bond is an indian author he is considered to be an icon of among indian writers and children's author and a top novelist my dear students the Adventures of toto is an amusing story by ruskin bond highlighting about a mischievous monkey the narrator's grandfather was fond of animals one day he bought a baby monkey from a tonga driver named him toto he wanted toto because he had already possessed several animals big and small such as tortoise squirrel a pair of rabbits and a goat but he didn't have monkey he loved too much slowly and steadily the monkey grew mischievous and began to create troubles so let's see what's there in this lesson that what does he do at the end here we go the chapter line by line so before we go ahead let's see the small introduction of the chapter have you ever had a baby monkey as a pet usually the families have dog cat cow as a pet animal but monkey as a pet animal very rare we see toto is a baby monkey so here in this chapter the name of the monkey is toto let's find out whether he is mischievous or docile mischievous means mastikor and docile means very obedient easy to handle so let's find out whether toto is mischievous or docile here we go Grandfather bought Toto from a Tonga driver for the sum of five rupees. Grandfather means our writer's grandfather. Now, my dear students, grandfather bought Toto from the Tonga driver. Tonga driver means Tanga chalane wala jo hota hai. Hindi mein hum bolte hai Tanga. तो tonga driver से उन्होंने पाँच रुपये में Toto को खरीदा था अब आप सोच रहे होंगे कि पाँच रुपये में तो दोस्तों पाँच रुपये की value उस time पर बहुत ज़्यादा थी रुपीस की values थोड़ी ज़्यादा थी आज आप देखने जाओ तो पाँच रुपये में आपको ना तो कोई वड़ा पाव देगा ना तो कोई चॉकलेट अच्छी खासी मिलेगी तो अब थोड़ी महंगाई बढ़ गई है द टोंगा ड्राइवर यूज़ टू कीप द लिटिल रेड मंकी टाइड टू अ फीडिंग ट्रफ एंड द मंकी लुक सो आउट ऑफ द प्लेस देर दैट ग्रैंड फादर डिसाइडेड ही वुड एड द लिटिल फेलो टू हीज प्राइवेट जू नाउ डियर स्टूडेंट्स द टोंगा ड्राइवर यूज़ टू कीप द लिटिल रेड मंकी ये जो मंकी था जिसका नाम टोटो ली ही टाइट दैट मंकी टू अ फीडिंग ट्रफ फीडिंग ट्रफ क्या होता है दोस्तों एक प्रकार का कंटेनर होता है इस तरीके से थोड़ा ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ तो उस कंटेनर में ओके लार्ज कंटेनर फॉर फीडिंग द एनिमल्स उसमें पानी होगा या फिर खाना होगा तो इसको उन्होंने टाई करके रखा था किसने टोंगा ड्राइवर ने जब ग्रैंडफादर ने इस मंकी को देखा तो उन्होंने ये सोचा ही डिसाइडेड एट ही वुड एड दिस लिटिल फेलो टू हिज प्राइवेट जू तो अब हमें दूसरी बात पता चलती है कि ग्रैंड के पास एक अपना खुद का ज़ू था प्राइवेट जू था जिसमें वो अलग अलग एनिमल्स को पैट बनाकर रखते थे वो सोच रहे थे कि ये मंकी को भी वो एज अ पैट लेंगे टोटो वॉज प्रिटी मंकी नाउ हियर इन दिस पैसेज इन दिस पैराग्राफ द राइटर गिव्स अस द डिस्क्रिप्शन ऑफ टोटो तो शुरू में वो कहते हैं कि ये जो टोटो है ये बहुत ही सुंदर बंदर था हिज ब्राइट आईज़ पाकल्ड विथ मिशिफ बिनित डीप सेट आईब्रोज एंड हिज टीथ विच वर अ पर्ली वाइट अब वो यहाँ पर कहते हैं कि उसकी जो आँखें थी वो बहुत ही अच्छा शाइन करती थी विथ मिस बिनिथ डीप सेट आईब्रोज ओके जो शरारत से भरी थी एंड बिनी डीप सेट आईब्रोज ओके जो उसकी आईब्रोज थी वो उसके चेहरे पर एकदम गड़ी हुई थी ओके उसके चेहरे पर एक डीप सेट आईब्रोज थी एंड हीजट टीथ विच वर अ पर्ली वाइट जो उसके दाँत थे पर्ली वाइट बहुत ही अच्छे चमक रहे थे वर वेरी ऑफन डिस्प्लेड इन अ स्माइल दैट फ्राइटन द लाइफ आउट ऑफ एल्डरली एंग्लो इंडियन लेडीज़ उसकी स्माइल देख कर कोई भी एंग्लो इंडियन जो पर्सन है एंग्लो इंडियन मीन्स अ पर्सन बिलोंग्स टू बोथ ब्रिटेन एंड इंडियन बहुत ही ईजीली आसानी से डर जाए उसकी स्माइल को देख कर अब आपने शायद मंकी uh, की स्माइल को कभी देखा होगा तो आप के जो दांत जिस तरह से वो दिखाते हैं तो उसकी स्माइल देखकर शायद कोई भी डर जाए अब यहाँ पर राइटर एक्चुअली ये कहना चाहते हैं कि शायद उनके आसपास कोई एंग्लो इंडियन लोग रहते होंगे तो वो भी देख कर वो टोटो की स्माइल को देख डर जाते थे बट हिज हैंड्स लुक ड्राइड अप एज दो दे हैड बीन पिकल्ड इन अ सन फॉर मेनी ईयर्स अब यहाँ पर राइटर यह कहना चाहते हैं कि उसके जो हाथ थे हैंड्स लुक्ड ड्राइड अप उसके जो हाथ थे वो बहुत ही सूखे लग रहे थे दो दे हैड बिन पिकल्ड अब यहाँ पर पिकल्ड क्या होता है कि कोई भी जो वेजिटेबल होता है अगर आप उसको लंबे टाइम तक रखना चाहते हो तो आप उसको विनेगर में डालकर उसको स्टोर करके आप लंबे समय तक उसको रख सकते हो तो जो भी ड्राई वेजिटेबल होती है कि पिकल्ड वेजिटेबल उसकी आप ऊपर के लेयर को देखना बहुत ज़्यादा रिंकल्स हो जाते हैं तो अब यहाँ पर एक्चुअली राइटर ये कहना चाहते हैं कि उसकी जो उसके जो हाथ है वो बहुत ही ज़्यादा सूख चुके हैं दे हैड बिन पिकल्ड इन द सन जैसे कि बहुत टाइम से सुखाए गए हो धूप में और उनके ऊपर झूरिया गिर चुके हैं उसके ऊपर बहुत सारे रिंकल्स हैं तो ऐसा एक्चुअली राइटर कहना चाहते हैं येट हिज फिंगर्स वर क्विक एंड विकेड एंड हिज टेल वाइल एडिंग टू हिज गुड लुक्स ग्रैंड फादर बिलीव अ टेल वुड एड टू एनी वंस गुड लुक्स ऑल्सो सर्वड एज अ थर्ड हैंड

किसी की भी ब्यूटी में ऐड करती हैं उसको और सुंदर बना देती हैं तो एक्चुअली वो ऐसा सिर्फ एक ह्यूमर क्रिएट करने के लिए बोलते थे सिर्फ़ एक मज़ाक करते थे अब यहाँ पर जो टोटो की पूछ है वो उसके लिए उसका तीसरा हाथ जैसा काम करती थी जब भी वो टहनी से लटक जाता था पेड़ों के ब्रांचेस से लटक जाता था तो वो पूछ के सहारे लटकता था एंड कभी कभी जो भी कोई चीज़ उसके हाथ से बहुत दूर थी तो उसे वो अपने पूछ के द्वारा उठा लेता था जैसे यहाँ पर कैपेबल ऑफ स्कूपिंग स्कूपिंग मीन्स लिफ्टिंग ओके लिफ्टिंग फ्रॉम विद द टेल तो वो टेल से उठाकर उस चीज़ को ले लेता था तो यहाँ पर एक्चुअली राइटर हमें इस पैराग्राफ में टोटो का डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं आई होप आपको ये समझ में आया होगा चलिए आगे बढ़ते हैं ग्रैंड मदर ऑलवेज फर्स्ट वैन ग्रैंड फादर ब्रॉड होम सम न्यू बर्ड और एनिमल अब राइटर यहाँ पर अपने ग्रैंड मदर के बारे में बोलते हैं वो कहते हैं कि ग्रैंड मदर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाते थे फर्स्ट मीन्स टू गेट एंग्री गुस्सा हो जाते थे जब भी ग्रैंड घर पर कोई बर्ड या तो एनिमल को लेकर आते थे सो इट वॉज डिसाइडेड दैट टोटोज प्रेजेंट शुड बी कैप्ट अ सीक्रेट फ्रॉम हर अंटिल शी वॉज इन अ पर्टिकुलरली गुड मूड तो अब दादाजी और राइटर ये डिसाइड कर लेते हैं कि दादी जी से इसको सीक्रेट रखना है जब तक उनका कोई अच्छा मूड ना हो तभी उनके साथ ये शेयर किया जाएगा तो दोनों डिसाइड करते हैं कि इसको छुपाना कहाँ कहाँ पर है इसको रखना कहाँ पर है तो ग्रैंड फादर एंड आई पुट हिम अप अवे इन अ लिटिल क्लोजड ओपनिंग इन टू माई बेडरूम वॉल वेर ही वॉज टाइड सिक्योरली और सो वी थॉट टू अ पैग फास्टर इन टू द वॉल अब दादाजी और राइटर दोनों डिसाइड करते हैं कि कमरे के अंदर की जो अलमारी थी जो दीवार से एकदम सटी हुई थी वहाँ पर उस अलमारी में वो टोटो को रख देंगे वेयर ही वो स्टाइट सिक्योरली और जहाँ पर उसको अच्छी तरह से टाई करके रख देंगे और सो वी थॉट टू पैक फास्ट एंड पैक क्या होता है कि खूटी होती है कि जिसमें आप बांध देते हो तो उस खूटी से वो बांध देंगे जहाँ पर वो बहुत ही अच्छी तरह से रहेगा और किसी को भी पता नहीं चलेगा स्पेशली उनकी दादी को तो एक्चुअली वो सोचते हैं कि टोटो बहुत ही अच्छा और ओबीडियट जानवर है जो बहुत ही इंजॉय करने वाले वो लोग उनके साथ लेकिन देखते हैं उन्होंने जो सोचा है कि वो बहुत ही अच्छी तरह से रहेगा उनका ये सीक्रेट जो है किसी को पता नहीं चलेगा देखते हैं कि आगे क्या होता है अ फ्यू आवर्स लेटर वेन ग्रैंड फादर एंड आई केम बैक टू रिलीज टोटो वी फाउंड दैट द वॉल्स विच हैड बीन कवर्ड विथ ऑर्नामेंटल पेपर चूजन बाई ग्रैंड फादर नाउ स्टूड आउट एज नेकेड ब्रिक एंड प्लास्टर अब जब राइटर और उनके दादाजी उसको टाई करके अलमारी में चले गए थे फिर थोड़ी देर के बाद जब वो वापस आते हैं टोटो को देखने के लिए कि वो कैसा है जब वो रिटर्न आते हैं तो वो देखते हैं दे फाउंड द वॉल्स विच हैड बिन कवर्ड जो थोड़ी देर पहले जो वॉल्स कवर्ड थी विथ सम ऑर्नामेंटल ऑर्नामेंटल मीन्स क्या डेकोरेटिव जिसको हम वॉल पेपर बोलते हैं उस वॉल पेपर से वो दीवार पूरी कवर थी चूजन बाई ग्रैंड फादर जो ग्रैंड फादर जी ने सेलेक्ट किए थे वो पेपर से वो दीवार बहुत ही अच्छी थी नाव स्टूड आउट एज अ नेकेट ब्रिक एंड प्लास्टर अब वो दीवार अनकवर थी नेकेट मीन्स अनकवर अब उस दीवार पर ना तो कोई वॉल पेपर था ना कुछ नहीं अब उस दीवार में से बहुत ही आसानी से ब्रिक और प्लास्टर दिखाई दे रहा था क्योंकि उस टोटो ने पूरे के पूरे जो वॉल पेपर थे वो फाड़ के तहस नहस कर दिए थे द पैग इन द वॉल हैड बिन रेस्ट फ्रॉम इट्स सॉकेट एंड माई स्कूल ब्लेजर विच हैड बिन हैंगिंग देर वॉज इन श्रेड्स तो अब जो पैग के साथ उसको बाँधा गया था वह पैग भी जो खुटी थी वो भी उखड़ करके okay, बाहर आ चुकी थी ब्रेंच मीन्स ब्रोकन टूट चुकी थी सॉकेट मीन्स जो अटैचमेंट्स पर जो खुटी थी वो भी निकल चुकी थी एंड जो उस राइटर का स्कूल का जो ब्लेजर था विच हैड बिन हैंगिंग देर जो वहाँ पर लटक रहा था वो भी श्रेड्स मीन्स कट इन टू थीन स्लाइसिस उसके भी ओके okay, मीन्स उसको भी फाड़ दिया था उसने तो अब इस कमरे में पूरा का पूरा तहस नहस कर दिया था किसने टोटो ने आई वॉन्टेड दैट ग्रैंड फादर वुड से अब यहाँ पर एक्चुअली राइटर कहते कि ग्रैंड फादर जरूर चिल्लाएंगे बट बट ग्रैंड फादर डिंड वरी ही सीम्ड प्लीज विद टोटोज़ परफॉर्मेंस लेकिन बिल्कुल अपोजिट हुआ ग्रैंड फादर कुछ भी नहीं बोले ग्रैंड फादर बिल्कुल ये सब चीज़ें देखकर उनको बिल्कुल ज़्यादा वो वरी ना हुए ना तो उन्होंने कोई चिंता की लेकिन वो ये सब चीज़ें देखकर वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो गए तो अब यहाँ पर ग्रैंडफादर भी थोड़े अलग किस्म के इंसान थे वो एक्चुअली ऐसे एनिमल्स में ये मस्ती देख कर और ज़्यादा खुश हो जाते थे ही इज क्लेवर सेट ग्रैंड फादर गिवन टाइम आई एम श्योर ही कुड हैव ट्राइड द टोन पीसेज ऑफ योर ब्लेजर इन टू रोप एंड मेड ही स्केप फ्रॉम विंडो सो so एक्चुअली यहाँ पर अब ग्रैंडफादर ये कहते हैं कि जो टोटो है वो बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट है बहुत क्लेवर है अगर इसको और हम थोड़ा समय देते हैं और अगर थोड़ा और अगर हम लेट आते हैं, तो शायद ये जो तुम्हारा स्कूल का ब्लेजर है इसके शायद इसके टुकड़े टुकड़े कर कर ये रस्सी बनाकर यहाँ से ही मेड हिज स्केप फ्रॉम द विंडो और ये अपना रास्ता बनाकर इस विंडो से नीचे उतर कर भाग जाता ओके भाग सकता था तो अब यहाँ पर एक्चुअली ग्रैंड वो टोटो को अप्रिशिएट भी करते हैं और उसकी ये एक्टिविटी देख कर वो खुश भी हैं हिज प्रेजेंस इन द हाउस स्टिल अ सीक्रेट टोटो वॉज नाउ ट्रांसफर टू अ बिग केज इन सर्वेंट्स क्वार्टर्स वेयर अ नंबर ऑफ ग्रैंडफादर्स पैट्स लिव्ड वेरी सोशबली टूगैदर अब टोटो घर में था दादाजी बाहर से लेकर आए थे ये बात अभी भी सीक्रेट थी किसी को भी नहीं पता थी ग्रैंड मदर को अभी भी पता नहीं चला था टोटो को फिर बाद में दादाजी ने ग्रैंडफादर जी ने डिसाइड किया कि टोटो को हम एक बड़े से केज में जो सर्वेंट के क्वार्टर के अंदर है वहाँ पर ट्रांसफ़र कर देते हैं क्यों क्योंकि उसने ऑलरेडी घर में बहुत ही ज़्यादा तहस नहस कर दिया और उसकी शरारत कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई है वहाँ पर और भी दूसरे सारे एनिमल्स हैं जो बहुत ही सोशबली सोशबली मीन्स बहुत ही फ्रेंडली मैनर में साथ में रहते हैं तो उनके वहाँ पर और भी दूसरे पैट एनिमल्स हैं अब वो पैट एनिमल कौन से कौन से हैं टोटो इज a पैर ऑफ़ रैबिट्स a टैम squirrel, एंड फॉर अ while my पैट गोट तो वहाँ पर कौन कौन है टोटोइ हैं फिर रैबिट का एक पैर हैं दो रैबिट्स हैं एक टैम क्विरल हैं और फिर बाद में एक पैट गोट भी हैं बट द मंकी वुडेंट अलाउ एनी his कंपेनियंस टू स्लीप एट नाइट अब ये इतना शरारती था कि रात को ये कोई भी उसके कंपेनियन को सोने नहीं देता था पूरी रात शरारती करते रहता था यहाँ से वहाँ कूदना शायद अलग अलग प्रकार की आवाज़ निकालना तो कोई भी सो नहीं पाया सो ग्रैंड फादर हु हैड टू लीव देहरादून नेक्स्ट डे टू कलेक्ट हिज पेंशन इन सहारनपुर डिसाइडेड टू टेक हिम अलॉन्ग अब अगले दिन उनको देहरादून छोड़कर नेक्स्ट डे उनकी पेंशन कलेक्ट करने के लिए सहारनपुर जाना था तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो टोटो को भी साथ में लेकर जाएंगे क्यों क्योंकि टोटो शायद इतना शरारती है कि वो और ज़्यादा शरारत कर देगा और यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही बिगाड़ के रख देगा अब वो सहारनपुर क्यों जा रहे हैं अपनी पेंशन लेने के लिए पेंशन क्या होता है कि जब रिटायरमेंट के बाद जो पैसे मिलते हैं वो पैसे लेने के लिए वो जा रहे थे सहारनपुर देहरादून को छोड़कर सहारनपुर जा रहे थे चलिए देखते हैं आगे अनफॉर्चुनेटली आई कुड नॉट अ कंपनी ग्रैंड फादर ऑन दैट ट्रिप बट ही टोल्ड मी अबाउट इट आफ्टरवर्ड्स नाउ अनलक्कीली ऑथर राइटर कुड नॉट अ कंपनी ग्रैंड फादर जब ग्रैंड फादर जा रहे थे अपनी पेंशन लेने ले के लिए सहारनपुर तो ऑथर उनके साथ नहीं जा सके लेकिन जो घटना उसके बाद हुई तो वो ग्रैंड फादर जी ने ऑथर को बाद में कही अ बिग ब्लैक कैनवस किट बैग वॉज़ प्रोवाइडेड फॉर टोटो अ बिग ब्लैक कैनवस एक अच्छी खासी बैग उनको प्रोवाइड की गई थी किसके लिए टोटो के लिए सो कैनवस बैग बहुत ही स्ट्रांग होती है ताकि उसमें टोटो अच्छी तरह से आ सके दिस विथ सम स्ट्रो एट बॉटम बिकेम हिज न्यू एबोर्ड अब थोड़ा घास पूस नीचे रखा गया ताकि टोटो ठीक से बैठ सके बिकेम अ न्यू अब और यही जो कैनवस बैग है उसका एक नया एबोर्ड बन गया एबोर्ड मीन्स घर ओके होम वेन द बैग वॉज क्लोज जब बैग को बंद कर दिया गया देर वॉज नो एस्केप टोटो कुड नॉट गेट हिज हैंड्स थ्रू द ओपनिंग अब जब बैग को बंद कर दिया तो वहां उस बैग में से बिल्कुल भी जगह नहीं थी कि जहां से टोटो बाहर निकल सके टोटो इवन कुड नॉट गेट हिज हैंड्स थ्रू द ओपनिंग ओके वो अपने हाथ भी बाहर नहीं निकाल सकता था एंड द कैनवस वॉज टू स्ट्रांग फॉर हिम टू बाइट हिज वे थ्रू और जो कैनवस का मटेरियल था जो बैग थी वो बहुत ही स्ट्रांग थी इसीलिए एक्चुअली ऑथर ने उस बैग को सिलेक्ट किया था तो वो बैग इतनी स्ट्रांग थी कि टोटो उसमें से बिल्कुल बाहर नहीं निकल सकता था और उस बैग से वो बिल्कुल भाग नहीं सकता था हिज एफर्ट्स टू गेट आउट ओनली हैड द इफ़ेक्ट ऑफ मेकिंग द बैग रोल अबाउट ऑन द फ्लोर और ओकेजनली जम्प इन टू द एयर एन एग्जीबिशन दैट अट्रैक्टेड क्यूरियस क्राउड ऑफ ऑन लुकर्स ऑन दी देहरादून रेलवे प्लेटफॉर्म अब दादाजी ने पूरे प्रिकॉशंस लिए थे अच्छी तरह से वो टोटो को सहारनपुर लेकर जा रहे थे लेकिन फिर भी उनके जितने भी एफर्ट्स थे उसकी इफ़ेक्ट क्या हुई कि जब भी वो बैग नीचे रखा था तो वो बैग में टोटो जो था वो अपने आप को मीन्स बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था इसलिए वो बैग रोल हो रहा था जब फिर दादाजी ने उस बैग को कंधे पर लटकाया था तब भी वो बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था कौन टोटो तो वो बैग थोड़ा उछल रहा था एयर में तो ये सारी चीज़ें देख जो देहरादून रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर जो लोग थे जो ऑन लुकर्स थे ओके जो ऑडियंस थी वहाँ पर वो सारे देखकर बहुत ही क्यूरियस हो रहे थे कि इस बैग में ऐसा तो क्या है कि इस ये बैग अपने आप उछल रहा है ओके रोल हो रहा है सो so वो जानने के लिए सभी तरस रहे थे कि इसमें ऐसा तो क्या है चलिए देखते हैं आगे टोटो रिमेंड इन द बैग एज फार एज़ सहारनपुर बट वाइल ग्रैंड फादर वॉज प्रोड्यूसिंग इज टिकट्स एट द रेलवे टर्न स्टाइल टोटो सडनली पॉक्ट हिज हैड आउट ऑफ द बैग एंड गेव द टिकट कलेक्टर अ वाइड ग्रीन सो नाउ जब तक सहारनपुर आता है तब तक टोटो अपनी बैग में ही था उस कैनवस बैग में ही था बट वाइल ग्रैंड फादर वॉज प्रोड्यूसिंग जब ग्रैंड फादर टिकट कलेक्टर को टिकट दिखाने लगे एट रेलवे टर्न स्टाइल न दोस्तों वट इज दिस टर्न स्टाइल टर्तो टर्न स्टाइल क्या होता है अ मैकेनिक गेट कंसिस्टिंग ऑफ रिवॉल्विंग हॉरिजोंटल आर्म्स फिक्सड टू अ वर्टिकल पोस्ट अलाउिंग ओनली वन पर्सन एट ए टाइम टू पास थ्रू बहुत ही आसान तरीके से समझाओ तो ये इमेज आप यहाँ पर देख लो ये इमेज में जो है इसको कहते हैं टर्न स्टाइल दोस्तों ये टर्न स्टाइल आपने रेलवे स्टेशन पर थिएटर में गार्डन्स में मॉल में ज़रूर देखा होगा ये टर्न स्टाइल क्या होता है इसमें एक टाइम पर एक ही इंसान पास हो सकता है इसके लिए ये वर्ड को समझाने के लिए मुझे आपको ये इमेज दिखानी बहुत ज़रूरी थी तो आप अच्छी तरह से समझ पाओ अब तक शायद आपको ये वर्ड पता नहीं होगा कि इसको टर्न स्टाइल कहते हैं तो आज ये वर्ड आपके डिक्शनरी में ऐड हो गया तो जैसे ही वो टिकट प्रोड्यूस करने लगे टर्न स्टाइल पर टोटो सडनली पोक्ट हिज हेड आउट टोटो ने अपना चेहरा बाहर निकाला एंड ही गेव अ बिग स्माइल वाइट ग्रीन मीन्स अ बिग स्माइल टू टिकट कलेक्टर और वो टिकट कलेक्टर को देखकर एक अच्छी सी स्माइल देता है कौन टोटो द पुअर मैन वॉज टेकन अ बैक नाउ हियर हु इज़ द पुअर मैन टिकट कलेक्टर जब टिकट कलेक्टर ने बैग में एक जानवर को देखा सो ही वॉज टेकन अ बैक टेकन अ बैक मीन्स सरप्राइज्ड शॉक्ड हो गया वो देखकर कि ये क्या है बैग में जानवर बट विथ ग्रेट प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड मच टू ग्रैंड फादर्स एनॉयस ही सेट सर यू हैव अ डॉग विथ यू यू विल हैव टू पे फॉर इट अकॉर्डिंगली तो अब टिकट कलेक्टर ने अपने दिमाग का सही इस्तेमाल करके उसने कहा ग्रैंडफादर को कि सर आपके बैग में डॉग हैं आपको डॉग का भी पेक करना पड़ेगा आपके आपको डॉग की भी टिकट लेनी पड़ेगी उसका भी आपको पेक करना पड़ेगा एनॉइंस मीन्स टू मेक सम वन एंग्री तो ये बात सुनकर दादाजी को आ जाता है गुस्सा In vain did grandfather take Toto out of the bag. In vain did he try to prove that a monkey did not qualify as a dog or even as a quadruped. Toto was classified a dog by the ticket collector and 3 rupees was the sum handed over as his fare. Now here the meaning of vain means a attempt in which you don't Quadruped means an animal which has 4. फीट जिसके चार पैर होते हैं वैसा एनिमल अब दादाजी यहाँ पर टिकट कलेक्टर को समझाने की कोशिश करते हैं और वो कहते हैं टोटो को निकालते हुए कि भाई ठीक से देखो ये चार पैर वाला जानवर नहीं है ओके चार पैर वाला डॉग नहीं है लेकिन ये दो पैर वाला मंकी है। सो देर इज़ अ डिफ्रेंस बिटवीन डॉग एंड मंकी लेकिन टिकट कलेक्टर जो होते हैं वो टोटो को क्लासिफाइड एज अ डॉग ओके वो कहते हैं कि ये डॉग की कैटेगरी में ही आता है अगर आपको इसके साथ ट्रैवल करना है तो आपको तीन रुपये इसका फेयर देना पड़ेगा सम हैंडेड ओवर एज इज़ फेयर और फिर दादाजी को उनकी बात माननी पड़ती है और तीन रुपये एज़ अ फेयर देना पड़ता है टोटो का देन ग्रैंड फादर जस्ट टू गेट हिज ओन बैग टुक फ्रॉम हिज पॉकेट आउट pat टोटोइ एंड said what must i pay for this since you charge for all animals अब जो ग्रैंड फादर होते हैं वो थोड़ा गुस्सा हो जाते हैं टू गेट हिज ओन बैक टू गेट हिज़ ओन बैक मीन्स बदला लेना टू टेक रिवेंज तो वो क्या करते हैं अपनी पॉकेट में से टॉटोइज़ को निकालते हैं उनका जो पैड टोटोइज़ होता है छोटा सा उसको निकालते हैं और वो टिकट कलेक्टर के सामने रख कर वो पूछते हैं वट मस्ट आई पे फॉर दिस सिंस यू चार्ज फॉर ऑल एनिमल्स जैसे कि तुम सभी एनिमल्स को चार्ज करते हो तो मुझे इसका कितना पे करना पड़ेगा न टिकट कलेक्टर लुकड क्लोजली एट द टोटोइस अब टिकट कलेक्टर क्या करता है वो टॉटोइस को बहुत ही क्लोजली देखता है प्रोडेड प्रोडेड मीन्स पुशिंग जेंटली इट विथ हीज फोर फिंगर्स अपने फोर फिंगर से वो उसको टच करके देखता है गेव ग्रैंड फादर अ प्लीज एंड ट्राइम्फ लुक एंड से नो चार्ज इट इज नॉट अ डॉग ओके तो फिर ग्रैंड फादर को वो प्लीज होकर एक ट्राइमफंट ट्राइम फंट मीन्स विक्टोरियस लुक देते हैं और कहते हैं कि नो no चार्ज क्यों क्योंकि यह डॉग नहीं है सो माई डियर स्टूडेंट्स हियर यू कैन सी ग्रैंड फादर एंड टिकट कलेक्टर टॉकिंग विथ वन अनादर एंड इन हीज बैग ग्रैंड फादर्स बैग यू कैन सी टोटो सो लेट्स गो अड वेन टोटो वॉज फाइनली एक्सेप्टेड बाई ग्रैंड मदर ही वॉज गिवन अ कंफर्टेबल होम इन द स्टेबल वेर ही हैड फॉर अ कंपेनियन द फैमिली डॉन्की नाना

ऑन टोटोज फर्स्ट नाइट इन द स्टेबल ग्रैंड फादर पेड ही म विजिट टू सी इफ ही वॉज कम्फर्टेबल जब टोटो की पहली रात थी उस टेबल में तो ग्रैंड फादर क्या करते हैं उसको एक विजिट लेते हैं कि वो शायद वहाँ पर कंफर्टेबल है कि नहीं तो ग्रैंड फादर देखने के लिए जाते हैं टू हीज सरप्राइज ही फाउंड नाना विदाउट अपरेंट कॉज पुलिंग एट हर हॉल्ट एंड ट्राइंग टू कीप हर हैड एज फार एज पॉसिबल फ्रॉम अ बंडल ऑफ है जैसे ही ग्रैंड फादर वहाँ पर पहुँचते हैं ही गेट सरप्राइज एंड ही फाउंड नाना रेस्टलेस मीन्स वो इधर उधर मूव कर रहे थे पुलिंग एट हर हॉल्टर वो अपनी हॉल्टर को पुल कर रहे थे अब हॉल्टर क्या होता है जानवर को गले में जो रस्सी बांधी जाती है उनको गाइड करने के लिए या उनको खुटी से बांधने के लिए उस रस्सी को हम कहते हैं हॉल्टर उसका लंबा चौड़ा मीनिंग भी पीछे ग्लोसरी में दिया है आप देख सकते हो तो वो रस्सी खींच रहा था एंड ट्राइंग टू कीप हर हेड वो अपना जो सर है वो बंडल ऑफ हे से दूर रखना चाहता था कि okay, नाना कोशिश कर रहा था कि वो अपने सर को अपने हेड को हे से दूर रखें अब हे क्या होता है सूखी घास okay, जिसको जानवर खाते हैं ग्रैंड फादर गेव नाना अ स्लैप अक्रॉस अर हॉन्चेस एंड शी जग बैक ड्रैगिंग टोटो विथ हर ही हैड फास्ट ऑन टू हर लॉन्ग ईयर्स विथ हि शार्प लिटिल टिथ अब जब ग्रैंड फादर को पता चलता है कि नाना जो है वो बहुत रेस्टलेस हो जाती है तब वो आकर नाना के हॉन्चेस पर ओके मीन्स बैक पर एक जोर से थप्पड़ मारता है उससे क्या होता है कि जो नाना हो वो हिल जाती है और उसके साथ साथ टोटो भी उसके साथ ड्रैग हो जाता है अब हुआ क्या होता है कि टोटो जो है वो नाना के ईयर्स को शार्प टीथ से चबा लेता है इसीलिए वो बहुत रेस्टलेस हो जाती हैं और राइटर यहाँ पर यह भी कहते हैं कि टोटो एंड नाना नेवर बिकेम फ्रेंड्स वो दोनों कभी दोस्त नहीं बन पाए अ ग्रेट ट्रीट फॉर टोटो ड्यूरिंग कोल्ड विंटर इवनिंग वॉज द लार्ज बाउल ऑफ वार्म वाटर गिवन हिम बाय ग्रैंड मदर फॉर हिज बाथ अब विंटर सीजन में टोटो के लिए सबसे बड़ी ट्रीट अगर कोई होगी तो वो था गर्म पानी में नहाना तो ग्रैंड मदर उसे क्या करती थी एक बड़े से लार्ज बाउल में गर्म पानी भरकर उसको नहाने के लिए देती थी ही वुड कनिंगली टेस्ट द टेम्परेचर विथ हिज हैंड देन ग्रेजुअली स्टेप इन टू द बाथ फर्स्ट वन फुट देन द अदर एज ही हैड सीन मी डूइंग अनटिल ही वॉज इन टू द वॉटर अप टू हिज नेक अब यहाँ पर एक्चुअली क्या दिखाया कि टोटो की खुदकी बहुत ही ज़्यादा मस्ती थी वो क्या करता था नहाने से पहले पानी का टेम्परेचर चेक करता था सबसे पहले वो अपना एक पैर डालकर पानी देखता था फिर बाद में वो दूसरा पैर ओके दूसरा पैर अंदर डालता था एक्चुअली ऐसे ही उसने ऑथर को करते हुए देखा था तो इसीलिए वो ऑथर को कॉपी कर रहा था और फिर बाद में पानी का टेम्परेचर अगर सही रहता बाद में जाकर वो पानी में जाकर डुबकी लगाता था और नहाता था वंस कंफर्टेबल ही वुड टेक द सोप इन हिज हैंड्स और फीट एंड रब हिमसेल्फ ऑल ओवर जैसे ही वो पानी में जाता था तो फिर बाद में वो क्या करता था सोप लेता था और फिर अपने पैरों और हाथों पर अच्छी तरह से रब करता था वेन द वॉटर बिकेम कोल्ड ही वुड गेट आउट एंड रन एज क्विकली एज ही कुड टू द किचन फायर इन ऑर्डर टू ड्राई हिमसेल्फ अब जब विंटर सीजन थी तो पानी जब ठंडा हो जाता था तो वो तुरंत के टब से बाहर निकल कर किचन की तरफ भागता था जहाँ पर आग जलती थी और वो एक्चुअली अपने आप को ड्राई करने के लिए वो वहाँ पर भागता था जहाँ पर किचन में खाना बनता था इफ़ एनी वन लाफ्ट एट हिम ड्यूरिंग दिस परफॉर्मेंस टोटोज फीलिंग वुड बी हर्ट एंड ही वुड रिफ्यूज टू गो ऑन टू गो ऑन विथ हिज बाथ अब इस सेंटेंस से ये तो पता चली जाता है कि टोटो के कुछ ज़्यादा ही नखरे थे उसकी शरारतें उसकी कुछ ज़्यादा ही मस्ती थी अब अगर ये करते हुए उसे कोई देख लेता था तो टोटो की जो फीलिंग्स हैं वो हर्ट हो जाती थी उसे बहुत ही ज़्यादा दुख होता था और अगली बार वो नहीं नहाएगा इस तरीके से वो कहता था कि ही वुड रिफ्यूज़ टू गो फॉर अ बाथ वन डे टोटो नियरली सक्सेडेड इन बॉइलिंग हिमसेल्फ अाइव अब यहाँ पर ऑथर ये कहना चाहते हैं कि एक दिन तो कुछ ऐसा हुआ कि टोटो ने अपने आप को कुछ बॉयल ही कर लिया तो यहाँ पर ऑथर हमें एक और इंसिडेंट बताना चाहते हैं कि जिसमें टोटो ने अपनी लाइफ को बहुत ही ज़्यादा रिस्क में डाल दिया था चलिए देखते हैं वो किस्सा क्या है लार्ज किचन कैटल हैड बिन लेफ्ट ऑन द फायर टू बॉयल फॉर अ टी एंड टोटो फाइंडिंग हिमसेल्फ विथिंग बेटर टू डू डिस दीड ना वट है वन डे वेन द कैटल वॉज कैप्ट ऑन दी फायर टू बॉयल फॉर अ टी या तो पानी वो टी के लिए रखा था बॉयल हो रहा था अब टोटो वहाँ पर पहुंचा जिसके पास कुछ काम नहीं था करने के लिए और उसने डिसाइड किया कि वो उस लीड को रिमूव करेगा एंड फाइंडिंग द वाटर जस्ट वार्म इनफ फॉर अ बाथ और नहाने के लिए पानी एकदम इनफ वार्म था ही गॉट इन और वो उसमें जंप लगा देता है उसमें चला जाता है नहाने के लिए किसमें कैटल में विथ स्टिकिंग आउट फ्रॉम द ओपन कैटल और वो अपना सर बाहर रखता है उस कैटल के बाहर दिस वॉज जस्ट फाइन फॉर अ वाइल और ये थोड़ी देर के लिए सब कुछ ठीक था अनटिल द वॉटर बिगेन टू बॉइल और थोड़ी देर में पानी उबलना शुरू हो जाता है क्यों क्योंकि नीचे आग जल रही होती है टोटो देन रेज हिमसेल्फ अ लिटिल बट फाइंडिंग इट कोल्ड आउटसाइड सेट डाउन अगेन अब टोटो क्या करता है जैसे उसे गर्म लगने लगता है कि पानी अब थोड़ा उबलने लगा तो वो अपने आप को ऊपर ले जाता था जैसे वो बाहर जाने की कोशिश करता था तो पता चला कि बाहर भी बहुत ज़्यादा ठंड है इसलिए वापस वो अंदर आ जाता था ही कंटिन्यूड होपिंग अप एंड डाउन फॉर सम टाइम अब वो थोड़ी देर के लिए वापस कूदता था वापस अंदर आ जाता था वापस कूदता था वापस अंदर आ जाता था ये एक्टिविटी उसकी चालू थी टिल ग्रैंड मदर अराइवड एंड होल्ड हिम हाफ बॉइल्ड आउट ऑफ दी कैटल और जब ग्रैंड मदर उसे देखती कि वो पानी में मीन्स okay, बाहर निकल रहा है अंदर जा रहा है तो जैसे ग्रांड मदर उसे देखती है तो होल्ड हिम होल्ड हिम मीन्स रिमूव हिम ओके उसे बाहर निकाल लेती है एंड जैसे ही वो बाहर उसे निकालती है तो उसे देखती है कि वो ऑलमोस्ट हाफ बॉइल्ड हो चुका था जो उसकी स्किन थी वो पूरी ऑलमोस्ट जलने वाली थी तो ये एक्टिविटी देख मीन्स राइटर हमें कहते हैं कि जो इंसिडेंट था वो ऑलमोस्ट उसमें बॉयल हो चुका था हाफ बॉयल हो चुका था चलिए देखते हैं आगे इफ़ देर इज़ अ पार्ट ऑफ द ब्रेन स्पेशली डिवोटेड टू मिशिव दैट पार्ट वॉज लार्जली डेवलप्ड इन टोटो अब यहाँ पर ऑथर ये कहते हैं कि अगर हमारे दिमाग में कोई ऐसा पार्ट है जो सिर्फ मिशिव के लिए डिवोटेड है तो वो पार्ट टोटो के अंदर कुछ ज़्यादा ही डेवलप्ड हो गया है ही वॉज ऑलवेज टीयरिंग थिंग्स टू पीसेस वो हमेशा कोई भी चीज़ को पीसेस में टीयर कर देता था मीन्स उसके टुकड़े टुकड़े कर देता था या उसकी बहुत ही ज़्यादा उसकी शरारत वो दिखा देता था वेनएवर वन ऑफ माई आंट्स केम नियर हिम ही मेड एवरी एफर्ट टू गेट होल्ड ऑफ हर ड्रेस एंड टीयर अ होल इन इट जब भी ऑथर की कोई भी आंट टोटो के, के सामने आती थी तो वो क्या करता था उनके कपड़ों में वो हमेशा छेद कर देता था वन डे एट लंच टाइम अ लार्ज डिश ऑफ पुलाव स्टूड इन सेंटर ऑफ द डाइनिंग टेबल वी एंटर द रूम टू फाइंड टोटो स्टफिंग हिमसेल्फ विथ राइस अब एक दिन दोपहर में लंच के टाइम पर क्या हुआ कि एक पुलाव की बड़ी सी डिश जो डाइनिंग टेबल के सेंटर पर रखी थी वी एंटर द रूम टू फाइंड टोटो स्टफिंग हिमसेल्फ विथ राइस तो जैसे ही हम रूम के अंदर आए तो हमने टोटो को देखा कि वो पूरा का पूरा जो प्लेट में राइस है वो खा रहा था अब ये चीज़ें देख कर, माई ग्रैंड मदरस क्रीम्ड उसकी ग्रैंड मदर जो थी राइटर की वो चिल्लाई एंड टोटो थ्रू अ प्लेट एटर और टोटो ने वो चिल्लाई तो टोटो तो तो ने ये प्लेट उनके ऊपर फेंकी जोर से वन ऑफ माई आंट्स रश्ड फॉरवर्ड एंड रिसीव्ड अ ग्लास ऑफ वाटर इन द फेस और जैसे ही मेरी एक आंट टोटो को पकड़ने के लिए आगे आई तो उनके चेहरे पर भी उन्होंने अ ग्लास ऑफ वाटर फेंका वेन ग्रैंड फादर अराइव टोटो पिकडअप द डिश ऑफ पुलाव एंड मेड हिज एग्जिट थ्रू अ विंडो और जैसे ग्रैंड फादर फिर बाद में वहां पर आते हैं तो टोटो ने क्या किया वो पुलाव की डिश पकड़ी और वो विंडो से बाहर की तरफ भाग गया वी फाउंड हिम इन द ब्रांचेज ऑफ द जैक फूड ट्री और फिर बाद में हमने उसे विंडो पर देखा तो जैक फूड ट्री के ब्रांचेस के ऊपर था द डिश स्टिल इन हिज आर्म्स और वो जो डिश थी वो अभी भी उसके आर्म्स में थी फिर उसने डिसाइड कर लिया था कि वो पूरा का पूरा राइस खत्म करेगा

He threw the dish down from the tree and chattered with delight when it broke into a hundred pieces. अब वो क्या कर रहा था In order to spite grandmother. Spite means in order to hurt someone. कि okay, जब आप किसी को गुस्सा दिलाना चाहते हो तो वो जानबूझकर grandmother को गुस्सा दिलाना चाहता था वो एट्स क्रीमड एट हीम ओके जिस जो मीन्स उनके ऊपर चिल्लाई थी टोटो के ऊपर वो चिल्लाई थी ही थ्रू द dish. ओके okay, वो डिश जोर से फेंकता है नीचे जिसमें पुलाव था और एंड चैटर्ड विद डिलाइट चैटर्ड मीन्स ये क्या होता है द साउंड मेड बाई द मंकी वेन इट ब्रोक इंटू द हंड्रेड पीस और वो डिश नीचे गिर कर उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं अब ये जो टोटो है उसने कुछ ज़्यादा ही हद कर दी और उसकी मस्ती कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई थी ऑब्वियसली टोटो वॉज नॉट द शॉर्ड ऑफ पैट वी कुड कीप फॉर लॉन्ग अब राइटर को यहाँ पर रियलाइज़ हो जाता है कि टोटो वो एनिमल नहीं था जिसको हम लंबे समय के लिए अपने घर में रख सकें इवन ग्रैंड फादर रियलाइज दैट और उनके ग्रैंड फादर को भी ये रियलाइज हो जाता है वी वर नॉट वेल टू डू एंड कुड नॉट एफोर्ड द्रिक्वेंट लॉस ऑफ डिशेज क्लोथ्स कर्टन्स एंड वॉलपेपर्स अब ऑथर का परिवार और फैमिली इतने वेल टू डू फैमिली नहीं थे वेल टू डू मीन्स रीच नहीं थे कि वो ये इतना फ्रिक्वेंट लॉस सहन कर सके ओके okay? जो लॉस था उनका डिशेस का क्लोथ्स का कर्टन्स का वॉलपेपर्स का तो ये इतना सारा लॉस वो कि उसकी भरपाई नहीं कर पाएंगे तो ये बहुत ज़्यादा हो रहा था जो टोटो के द्वारा हो रहा था सो ग्रैंड फादर फाउंड द टोंगा ड्राइवर एंड सोल्ड टोटो बैक टू हिम फॉर ओनली थ्री रुपीज़ और अब ग्रैंडफादर को भी ये समझ में आ गया था और वो भी टोटो से अपने पीछा छुड़ाना चाहते थे इसलिए वापस वो टोंगा ड्राइवर उनको मिलता है और टोंगा ड्राइवर को ग्रैंडफादर सिर्फ़ तीन रुपये में वापस टोटो को उनको बेच देते हैं अगर दोस्तों आपको याद होगा तो ग्रैंडफादर ने टोंगा ड्राइवर से फाइव रुपीज़ में टोटो को ख़रीदा था लेकिन वो इतने डेस्परेट हो जाते हैं कि वो उनको तीन रुपए में टोटो को बेच देते हैं किसको को टोंगा ड्राइवर को आई होप दोस्तों ये स्टोरी आपको पसंद आई होगी अगर आपको ये लेसन समझ में आया है अगर आपको ये लेसन अच्छा लगा है तो वीडियो में कमेंट जरूर करना एंड ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो वीडियो को लाइक करो शेयर करो अपने दोस्तों के साथ और देखते रहो हमारा चैनल आज के लिए इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद